हाय दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज मैं एक मंदिर में आई हूँ और ये मंदिर रामापुरा में स्थित है। इस मंदिर का नाम है मार्कंडे महादेव मंदिर। जैसा कि देख रहे हैं, बाबा हैं अंदर। और आज हम सभी बहनें, जो कि सब लोग स्वयं सहायता समूह ग्रुप से हैं और इसी ग्रुप से चर्चा करने के लिए आज हम सभी के बीच उपस्थित होंगे श्री धनंजय कुमार सिंह जी, जो कि निर्देशक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कृषि मंत्रालय हमारी सभी बहनों के साथ विचार विमर्श करेंगे। और हम सभी बहनों के विचारों को सुनेंगे। और तो यही आज मेरे ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए उनसे मिलते हैं। और उनके बीच से जो बात उनकी रुचि की निकल कर के आई है, उन सब का उत्तर समुचित आगे ठोस कार्रवाई के साथ देने के लिए जो इन्होंने आमंत्रित किया था, तो मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पर आया। सर, कैसा लगा स्वयं सहायता की बहनों से मिलकर के आपको? बहुत ही अच्छा लगा। काशी में ये भगवान शिव का मंदिर है, उसके बगल में बैठ करके हम लोगों ने, और इतनी सारी 18 बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं स्वयं सहायता समूह, अलग अलग स्वयं सहायता समूहों से, तो आप सब लोगों के बीच में बैठ करके और समाज के प्रति उनकी जो संवेदना है उसको देख करके, जान करके मन अभिभूत हुआ है। और भगवान शंकर काशी के कंकड़ कंकड़ में विराजमान है, यहाँ भी विराजमान है, हम लोगों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं जी, बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से और उनके द्वारा ही हम सब लोग आगे इस काम को बढ़ाएंगे। और काशी की हमारी ये बहनें बड़े ही उत्साह से काम कर रही हैं। एक महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार चला रही है, उससे अलग हट करके मुझे कुछ महिला स्वशक्तिकरण जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि हम स्वयं सशक्त हैं ही, हमें आगे बढ़ना है, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। और इसके लिए मैं आप सब लोगों को और विशेष रूप से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इन सब सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सबके शब्दों को नोट कर रहे हैं कि किसने क्या कहा और भविष्य में कहीं उससे कहीं विचलित न हो। तो ये इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आप सब बहनों को जो एक साथ एकत्र आई हैं और हम लोगों ने जो मिलकर के विचार विमर्श किया है, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हम लोग समाज में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आज आप लोग सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्या कोई मेन मकसद था या कोई ज़रूरी काम, या आप लोग क्या किस टीम से हैं, थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइएगा। जी, मैं श्री अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह से की कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुप्रिया भट्टाचार्य है। आज हमारा मतलब कि जो स्वयं सहायता समूह है उसी को लेके अपना प्रस्ताव हम लोग मंत्रालय तक पहुँचाना चाहते थे, जिसकी वजह से हम लोग ने ये बैठक रखी थी। हुई है तो आज कौन आया था आप लोगों से बात करने के लिए, और अपनी आप लोगों ने जो आप लोग का समूह है स्वयं सहायता समूह, इसके बारे में आप लोगों ने काम के बारे में, जैसे घर बैठी महिलाओं के लिए जो रोज़गार के मुद्दे पे बात हुई है, तो वो क्या हुई है इसी के बारे में जान। जी, हम लोग के बीच में श्री धनंजय कुमार सिंह जी आए थे, जो कि आपके कृषि मंत्रालय में अध्यक्ष, कृषि मंत्रालय में कोऑपरेटिव सोसाइटी में डायरेक्टर हैं, और उसके जो अध्यक्ष हैं वो अमित शाह जी। ठीक है, तो हम लोग अपना जो प्रस्ताव है वो ये रखना चाहते थे कि हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हम लोग घर में हाउस वाइफ हैं, उनके ऊपर हमारी जो संस्था है वो काम करना चाहती हैं, जिसका प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि हम एक छोटा हाथी मतलब कि फूड वैन बोले तो फूड वैन लेना चाहते हैं, जिसमें कि हम तरह तरह के फूड, जो क्योंकि हमारा बनारस एक टूरिस्ट हब है, तो हम चाहते हैं कि हमारा वो एक जो फूड वैन है उसमें हम लोग कुछ चाय, तरह तरह की चाय स्नैक्स हो गए, डोसा इडली जो भी अभी चल रहे हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें रखें, और जो महिलाएं घर से नहीं निकल सकती हैं
उनको हम लोग घर के लिए वो सारी चीज़ें मटेरियल बनाने के लिए घर में दें, वो बना के दें, और जिसको हम लोग वैन में ले आके उसको सेल आउट करें। इसके ऊपर हम बिजनेस करना चाहते थे, इसी के ऊपर हम लोग ने अपनी एक मतगणना उनके साथ साझा रखी है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनसे आश्वासन मिला आप लोगों को? जी, उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने बोला कि पहले तो आप लोग अपना एक मैनेजमेंट बनाइए जिसमें कि आप लोग इस चीज़ को बहुत मतलब कि जो करना है आपको उसकी एक सूची बनाइए जिसमें आपके कितने खर्चे होंगे, कितने एक्सपेंस होगा और कितना आपको सरकार से हेल्प चाहिए, ये सारी चीज़ों का एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए, तब जाके आप अपने प्रस्ताव को किसी आगे की ओर फॉरवर्ड कर सकती है। उसका उन्होंने मुझे हम लोग को सीख दिया कि कैसे कैसे हम लोग को आगे उस वर्क को करना है, करने के लिए रास्ता बताया। जी जी जी, खुश है आप लोग? जी, बहुत खुश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैम, आप भी स्वयं सहायता समूह से हैं जी, तो अपने बारे में हमको कुछ बताइए। जी, मैं श्री अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ जी। आज मेरी जो वार्तालाप श्री धनंजय कुमार सिंह से हुई है जी, आज छोटा सा बैठक रखा गया था, उस बैठक में हमारी समूह की महिलाएं एकत्रित हुई थी, तो हमारी समूह की महिलाओं के भी जो विचार है, तो मेरे विचार में ये है कि बहनें आगे बढ़ें, कुछ करें, जिनको जो माने नॉलेज है उसको लेके अब वो लोग स्वयं सहायता समूह में जुड़ते हुए अपना कार्य करें। जैसे पापड़ अचार का बिजनेस हुआ, कितने महिला घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, घर बैठे अपना जी बिल्कुल करना चाहती हैं। आप अपना परिचय बताइए। मैम, मैं संगीता शर्मा, आज जो कल सुरपाली जी ने मेरे पास मैसेज डाला था एक आज की मीटिंग का, तो मैं आज उस मीटिंग में आई, आज राष्ट्रीय जो धनंजय सिंह जी आए हुए थे, मुझे अच्छा लगा।